गाइस कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आई थेरेटिक न्यू। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। गाइस सॉरी, कुछ दिन मैं बिजी रही, कुछ प्रॉब्लम में थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त किस्म का ग्लास फोन सिखाऊंगी आपको। आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। गाइस ये फोन आजकल एफपी पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है तो हम भी आज यही ग्लास फोन बनाएंगे। यहाँ से आपने नेम टाइप कर लेना है। आज मैं लिखूँगी हीर, या आपने इसको फुल कर लेना है। यहाँ से आपने इसको ओके करके यहाँ ए बी फॉन्ट पे क्लिक कर लेना है। मैं जो जो मटेरियल यूज़ करूँगी उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ आपने ये वाला फॉन्ट ले लेना है, इसको ओके कर देना है। फिर आपने इसकी एक यहाँ से कॉपी ले लेनी है। यहाँ से कॉपी करके बाकी का नेम टाइप कर लेना है। नेम का लास्ट लेटर टाइप कर लेना है। यहाँ से आपने इसको इसके ऊपर रख के बराबर कर लेना है। यहाँ पोजीशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ इसको फुल कर लेना है और इसके सामने आपने कर लेना है, इसको ओके कर देना है। फिर आपने इसकी एक कॉपी ले लेनी है, बाकी बीच वाला नेम आपने टाइप कर लेना है। यहाँ ओके कर देना है आपने। यहाँ से आपने इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेना है। यहाँ साइज़ कम करके यहाँ आपने इसको इतना ही रख लेना है आपने, ओके कर देना है। यहाँ से आपने इस पर क्लिक करके आपने ट्रांसपेरेंट कर लेना है नेम को। फिर आपने कार्ड पे क्लिक करके इसको सेव एज इमेज कर लेना है। यहाँ आपने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके अल्ट्रा पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेना है। जी तो गाइस मैं पीसीसी में आ गई, मैंने डीपी ऐड कर लिया है। यहाँ से आपने प्लस पे क्लिक करके नेम ऐड कर लेना है। यहाँ फोटो लाइब्रेरी पे आपने दो बार क्लिक कर लेना है। यहाँ से हम ये वाला नेम ऐड कर लेंगे, इसको हमने ओके कर लेना है। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है आपने। फिर आपने यहाँ से ये वाली सेटिंग ऑन रखनी है। यहाँ आपने ये वाली सेटिंग ऑन करके फिर आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है। यहाँ एम्प्टी लेयर लेके आपने ओके कर देना है। फिर आपने एम पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है। फिर पे ही रहने दें, आप ओके कर दें। फिर आपने इस पे क्लिक करके पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने कट पे क्लिक कर लेना है, ओके कर देना है इसको यहाँ पे। यहाँ से आपने इसको ऑफ़ कर लेना है, डन कर देना है। फिर आपने इसको डिसलेक्ट कर लेना है, डीपी के बाद क्लिक करके मोड प्लस कर लेना है। यहाँ से मोड प्लस करके आपने बाकी ये वाला नेम भी पहला वर्ड इसका सारा सिलेक्ट कर लेना है आपने। यहाँ आपने इसको और इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सारे को आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से लेयर फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, यह इस लेयर पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने पेंसिल पे क्लिक करके इसको कट कर लेना है, डन कर देना है। डीपी के बाहर क्लिक करके इसको आपने डीसेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने इसको ऑफ़ कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है। फिर आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करके इनको आपने आपस में मर्ज डन कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने मर्ज डन कर लेना है, डन कर देना है। प्लस पे क्लिक करके एक पीएनजी ऐड कर लेना है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वाला पीएनजी ले लिया मैंने, ओके कर देना है। यहाँ से आपने ये वाली सेटिंग कर लेनी है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और इस पर क्लिक करके इसको आपने इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। सेलेक्ट करके आपने पेंसिल पे क्लिक करके आपने इसको कट आउट कर लेना है, ब्लैक हिस्से को आपने। यहाँ ये कट हो जाएगा। डीपी के बाहर क्लिक करके आपने इसको डिसलेक्ट कर लेना है। फिर आपने यहाँ एंड पे क्लिक करके आपने ट्रांसफॉर्म कर लेना है। यहाँ इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। यहाँ आपने इसको एडजस्ट करके ओके कर देना है। फिर आपने पेंसिल पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपने कॉपी करनी है, कॉपी करके फिर आपने इसको यहाँ से पेस्ट कर लेनी है। यहाँ से पेस्ट कर लेना है। यहाँ इसको आपने सारे नेम पे ऐसे ही आपने एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से ये आपने ऐड करने के बाद आपने इसको मर्ज डन कर लेना है। सारी लेयर्स को आपने मर्ज डन कर लेना है, पीएनजी वाली लेयर्स को। फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है। सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद आपने पीएनजी वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसको डिसलेक्ट कर लेना है डीपी के बाहर क्लिक करके। फिर आपने इस पर क्लिक करके या टू लेयर जो बनी हुई है इन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने इसकी ओपेसिटी कम कर लेनी है, ओपेसिटी आपने यहाँ इतनी रखनी है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक करके कलर दे देना है। टिंट पे क्लिक करके थोड़ा सा आपने इसको कलर दे देना है। यहाँ आपने इतना इसको कलर दे देना है, ओके कर देना है।
इसको ही सिलेक्ट रखना है और यहाँ आपने पेंसिल पे क्लिक करके आपने इसको सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने एम्प्टी लेयर पे क्लिक कर लेना है, यहाँ प्लस पे क्लिक करके ओके कर देना है। यहाँ से आपने एंड पे क्लिक कर लेना है, यहाँ आपने फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करके टाइप पे क्लिक करके स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आपने इसकी विड्थ 18 कर लेनी है, डन कर देना है इसको यहाँ पे। फिर आपने डीपी के बाहर क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है, फिर आपने बेवल पे क्लिक कर लेना है। इसको आपने ब्लर 5, डिस्टेंस भी 5, एंगल 180 कर लेना है, डन कर देना है इसको यहाँ पे। यहाँ से फिर आपने एफएक्स पे क्लिक करना है, फिर आपने बेवल दे देना है। बेवल में आपने इसका एंगल चेंज कर लेना है, यहाँ एंगल आपने 45 कर लेना है, डन कर देना है। फिर आपने बेवल पे क्लिक करके इसको बेवल देना है, इस बार इसका एंगल आपने 135 कर लेना है, डन कर देना है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक कर लेना है, एंगल आपने 90 कर लेना है, डन कर देना है। यहाँ से आपने टू लाइंस पे क्लिक कर लेना है, यहाँ आपने कर्व पे क्लिक कर लेना है। कर्व की सेटिंग आपने सेम मेरे जैसी रखनी है, सेम मेरे जैसे ग्लास वन बना रहे हैं तो यहाँ आपने इसको सेम मेरे जैसे रखना है, ओके कर देना है। फिर आपने यहाँ टू लाइंस पे क्लिक करके यहाँ हाईलाइट्स पे क्लिक कर लेना है, यहाँ इसकी लाइट्स 40 कर देना है, डन कर देना है, इसको ओके कर देना है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपने फोटो पे क्लिक कर लेना है, यहाँ आपने सनी आफ्टरनून पे क्लिक कर लेना है। सनी आफ्टरनून पे क्लिक करके अपने इसकी इंटेंसिटी 80 कर लेनी है, डन कर देना है इसको यहाँ पे। यहाँ से आपने इसको पकड़ के ऊपर कर लेना है, यहाँ इसको आपने इस पर क्लिक करके मॉडर्न कर लेना है, यहाँ से आपने इनको मॉडर्न कर लेना है, ओके कर देना है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक करके यहाँ अपने बेसिक में आ जाना है और अपने ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आपने ब्लर 2 कर लेना है, एंगल 135 कर लेना है, डन कर देना है इसको यहाँ पे। यहाँ से आपने फिर इनको मॉडर्न कर लेना है, यहाँ इसको मॉडर्न करके ओके कर देना है। इसको ऑफ कर लेना है, फिर आपने इसको ऑन कर लेना है। इस लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ एफएक्स पे क्लिक करके आपने बेवल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने इसका ब्लर आपने 20 कर लेना है और डिस्टेंस 15 कर लेना है, डन कर देना है इसको यहाँ पे। अपने फिर एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक कर लेना है, इस बार इसका एंगल आपने फर्स्ट एंगल आपने 180 करना है, सेकंड एंगल आपने 45 कर लेना है, डन कर देना है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक कर लेना है, इस बार इसका एंगल आप 135 कर लेना है, डन कर देना है। यहाँ से आपने टू लाइन पे क्लिक करके आपने कार्ड पे क्लिक कर लेना है, यहाँ इसकी सेटिंग जैसे इसको वैसे रहने देना है, ओके कर देना है आपने इसको। यहाँ से फिर आपने टू लाइट्स पे क्लिक करके लाइट्स शेडो हाईलाइट्स पे क्लिक कर लेना है, यहाँ इसकी लाइट्स 40 है, इसको वैसे रहने देना है, डन कर देना है। यहाँ से आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है, यहाँ डन कर देना है। इसका आपने ब्लाइंड मोड यहाँ से चेंज कर लेना है, ब्लाइंड मोड आपने इसका ओवरली कर लेना है, डन कर देना है आपने इसको यहाँ पे। यहाँ से आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है, टिंट पे क्लिक करके आपने कलर ऐड कर लेना है। कलर आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ये वाला कलर ऐड कर लूँगी, यहाँ इसको ओके कर दूँगी, डन कर दूँगी। फिर आपने इस पर क्लिक करके इसको मॉडर्न कर लेना है, दोनों को आपने मॉडर्न करके ओके कर देना है। यहाँ से आपने पेंसिल पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, यहाँ इसको ओके कर देना है आपने। आपने प्लस पे क्लिक करके इसकी एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है, यहाँ से एम्प्टी लेयर लेके अपने डन कर देना है। फिर आपने एंड पे क्लिक कर लेना है, फिर आपने फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करके यहाँ आपने इसको स्ट्रोक दे देना है, स्ट्रोक आपने 15 कर लेना है, डन कर देना है इसको यहाँ पे। फिर आपने डीपी के बाहर क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है, फिर आपने बेवल पे क्लिक करके इसको बेवल दे देना है, ब्लर 5, डिस्टेंस भी 5, एंगल 180, डन कर देना है इसको यहाँ पे। आपने अगेन आपने फिर एफएक्स पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से फिर आपने इसको बेवल दे देना है, यहाँ इसका ब्लर इस बार आपने 45 कर लेना है, डन कर देना है। फिर आपने अगेन बेवल दे देना है इसको यहाँ पे, एंगल आपने 135 कर लेना है, डन कर देना है। फिर आपने बेवल पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपने इसका एंगल आपने 90 कर लेना है, डन कर देना है। फिर आपने टू लाइट्स पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपने शेडो लाइट्स पे क्लिक करके 40 पे इसकी लाइट्स रहने देनी है, ओके कर देना है। फिर अगेन आपने टू लाइट्स पे क्लिक कर लेना है, यहाँ आपने इसको कर्व्स दे देनी है, कर्व्स की सेटिंग सेम वैसे ही रहने देना है, ओके कर देना है, डन कर देना है। फिर आपने यहाँ से आपने एफएक्स पे क्लिक करके इसको अपने फोटो पे क्लिक कर लेना है,
फ़ोटो पे क्लिक करके अपने सनी आफ्टरनून पे क्लिक कर लेना है। इसको इसकी इंटेंसिटी ऐसे ही रहने देना है, डन कर देना है। इसको यहाँ पे डन कर देना है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपने इसको बेसिक पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने इसको ड्रॉप शेडो पे क्लिक करके ड्रॉप शेडो देना है। इसकी सेटिंग जैसे इसको वैसे रहने देना है, डन कर देना है, ओके कर देना है। फिर आपने इनको मॉडर्न कर देना है आपस में, यहाँ से इनको आपस में मॉडर्न करके डन कर देना है। इसको आपने यहाँ से ऑन कर लेना है, इस लेयर को आपने ऑन कर लेना है। जी तो गाइस ये देखिए हमारा ग्लास फोन बहुत ही प्यारा बना है। हम इसमें कुछ पीएनजी ऐड करके इसको और ज़्यादा प्यारा बनाते हैं। इस पर क्लिक करके, प्लस पे क्लिक करके आपने फ़ोटो लेयर पे दो बार क्लिक करना है। मैं यहाँ पे ये वाला पीएनजी ले लूँगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ से आपने ये मैजिक स्टिक सेलेक्ट रखना है और इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसका बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है। यहाँ पेंसिल पे क्लिक करके आपने कट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने कट करके इसका बैकग्राउंड कट कर लेना है। डीपी के बाद क्लिक करके आपने पिक्सल डिसलेक्ट करना है। यहाँ आपने क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। फिर हम एक और पीएनजी ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं ये वाला पीएनजी ले लूँगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, ओके कर देना है। फिर आपने इसको इस पर क्लिक करके इसको अपने सेलेक्ट कर लेना है। इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है अपने। यहाँ अपने एंड पे क्लिक करके इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको अपने एडजस्ट कर लेना है। मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, आप जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। आपने इसको डन कर देना है। यहाँ से आपने पेंसिल पे क्लिक करके इसकी एक कॉपी ले लेनी है। फिर आपने इसको यहाँ पेंसिल पे क्लिक करके पेस्ट कर लेना है। यहाँ से पेस्ट करके आपने इस पर क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट करके ओके कर देना है। यहाँ से मैं ये वाला पेंसिल ले लूँगी, यहाँ आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ से आपने इसकी एक कॉपी ले लेनी है, फिर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ आपने इसको ओके कर देना है, डन कर देना है। यहाँ से हम एक और पीएनजी ले लेंगे। यहाँ आपने इसको ओके करके इसका अपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। यहाँ आपने इसका ब्लाइंड मोड लाइटन कर स्क्रीन कर देना है। इसका ब्लाइंड मोड आपने स्क्रीन करके ओके कर देना है। यहाँ पर इसको यहाँ से आपने एंड पे क्लिक करके इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट कर लेना है। मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, आप जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। यहाँ से आपने इसकी डुप्लीकेट लेयर लेके फिर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे बाकी के नेम पे। जी तो गाइस ये देखें हमारा ग्लास फोन डन हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के ग्रुप्स में मेरे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ आपने डन पे क्लिक करके डीपी को सेव करना है। यहाँ सेव पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने शेयर पे क्लिक कर लेना है। सेव टू गैलरी पे क्लिक करके आपने यहाँ डीपी पे क्लिक कर लेना है, ओके कर देना है। यहाँ पे डीपी आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।